गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। ये है शादी डे और आप सब लोग शादी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये है शादी वाला दिन और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से कैसे रेडी हुई हूँ, बट मैं ना रेडी हो रही थी और दूल्हे को जाना था, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ये बाल खुले छोड़ के ही आ गई थी। मैं हेयर स्टाइल बना रही थी उस टाइम और सबसे पहले बहन दूल्हे को टीका लगाती है। उसके बाद हमारे साइड में क्या होता है कि बहन उसको तेल चढ़ाया जाता है दूल्हे को, तो उस टाइम पल्लू उसके सिर पे रखती है अपना और दूसरे तेल चढ़ाते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पे, मैं पल्लू रख रही हूँ और मेरी जो बुआ की बेटी है वो उसको तेल चढ़ा रही है। तो इसी के लिए मुझे नीचे बुलाया था, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी करके ऐसे खुले बाल छोड़ के ही नीचे चली आई थी। कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, बस यहाँ पर ना जो तेल रखा जाता है नीचे और वो तेल दूल्हा बाहर फेंकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ की रस्में होती है। आप लोगों के यहाँ पे कैसे होता है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, और आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो आपको कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है, तो बस यही मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि हमारे साइड के रीति रिवाज, हमारे साइड के कल्चर, हमारे साइड का मतलब जो कुछ हमारे साइड में होता है वो आपको दिखाना चाहती हूँ मैं ब्लॉग के ज़रिए, और आपको भी घर बैठे देखने के लिए मिल रहा है। तो भाई रेडी हो गया है जाने के लिए, बस ये उसका घर का लुक है, वहाँ पर जाके वो चेंज करेगा। उसके बाद जो शादी के लिए उसने इंडो वेस्टर्न लिया है वो पहनेगा। तो यहाँ पर सब लोग लेडीज़ जो तैयार हुई थी, ये मेरी मामी है, वो मेरी दीदी है, बुआ की बेटी, जो भी लेडीज़ तैयार हो गई थी ना तो वो दूल्हे के साथ चली गई थी आगे, और हम लोगों की तैयारी ही बाकी थी तो हम लोग तैयार हो रहे थे पीछे, क्योंकि गांव में ही शादी थी, मतलब एक ही गांव में शादी थी। दुल्हन भी इसी गांव की है और दूल्हा भी सेम गांव का है, तो इसी वजह से शादी यहीं पे होने वाली थी और 15 मिनट से भी कम का रास्ता था शादी के मतलब हॉल में जाने के लिए, तो इसी वजह से हम लोग टाइम पर भी निकलते तो इतना कुछ ये नहीं लगता। तो पहले दूल्हा जाएगा क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले दूल्हे का काम है, इसी वजह से दूल्हा चला गया था और उसके बाद फिर हम लोग गए थे सेकंड ट्रिप में। तो सेकंड ट्रिप में हम लोग रेडी हो रहे थे, जो भी लेडीज़ घर में रेडी हो रही थी वो हम लोग फिर सेकंड ट्रिप में गए थे। तो यहाँ पर पहले दूल्हे को लेके जाएंगे, हम लोग रेडी हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से कार डेकोरेट की थी और ये फिर दूल्हे को लेके जाएंगे वहाँ पर, फिर वहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पर जाने के बाद का भी डिटेल में ये ब्लॉग शूट किया है, मैंने दूसरे को बोला था, मेरे भाई को बोला था मासी की बेटी को शूट करने के लिए, तो उसने पूरा डिटेल में ब्लॉग शूट किया है आप लोगों के लिए। तो लाइक एंड कमेंट तो बनता है यार, लाइक ज़रूर कर देना, इतनी मेहनत की हम सब ने ब्लॉग, मतलब लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ये ब्लॉग शूट करने में, क्योंकि ये ही यादें हैं जो हमारे काम आएगी बाद में, हम लोग देख सकते हैं जब भी हमें कभी देखने का मन किया, सबको देखने का मन किया फैमिली वालों को, तो ये जो यादें हैं हमें काम आएगी बाद में, हम लोग देख सकते हैं इसी वाले वीडियो को। इसी वजह से डिटेल में ये ब्लॉग शूट किया गया है और आप भी देख लीजिए हमारे यहाँ का कल्चर कैसा होता है। हमारे यहाँ पे मतलब दूल्हा जब से घर से निकला है तब से लेके हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ पूरा डिटेल में ये ब्लॉग शूट किया गया है। और बस यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे, फिर हम लोग जाने वाले थे तो इसी वजह से बाहर निकल गए थे, और यहाँ पर मेरी भाभी रह गई थी, भाभी की बहन रह गई थी, माही, मैं, हम लोग फिर थोड़ा लेट गए। लेट मीन्स वहाँ पर कोई भी रस्म स्टार्ट नहीं हुई थी, बट दूल्हे को पहले भेज दिया था और यहाँ पर सब लोग मेहमान भी आ गए थे। तो ये मेरे मामा का बेटा और अद्विक, इन सब ने यहाँ पर आते ही फेटे पहन लिए थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अद्विक, तो मैंने उसको भी शूट कर लिया। यहाँ पर पहले दुल्हन की एंट्री होती है, ये हमारे साइड में इसे हुबास बोलते हैं, तो हुबास के लिए पहले दुल्हन आती है, ये भी हमारी साइड की ही साड़ी पहन के आती है, मतलब हम लोग हुबास के लिए भी साड़ी लेते हैं दुल्हन को, और शादी के लिए भी जो भी हमारे साइड की साड़ियाँ होती है, मतलब शादी के लिए जो भी दुल्हन को साड़ियाँ होती है वो हमारे साइड से ही होती है हमारे यहाँ पर, और जो दूल्हे को होता है वो उनके साइड से होता है, मतलब दूल्हे के लिए जो भी कपड़े लेते हैं वो लेते हैं और दुल्हन के लिए जो भी कपड़े ज्वेलरी ली जाती है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर बस वही हो रहा है, पैर धोए जाते हैं, जैसे कि ये सगाई में आपने देखा, सगाई में जैसे मेरे मासी के बेटे ने पैर धोए थे दुल्हन के, वैसे ही अभी भी वो पैर धो रहा है। उसके बाद जैसे उबास होगा, जो साड़ी है हम लोगों ने इसकी लाई है मतलब शादी की, वो दी जाएगी, ज्वेलरी दी जाएगी उसको, और उसके बाद वो चेंज करके आएगी।
और हाँ, दुल्हन क्यूट लग रही है ना, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे आपको कैसी लगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ्री हो गई थी हमारे साथ, क्योंकि पहले से इससे बातें चल रही थी हमारी, तो इसी वजह से उसको कुछ अलग नहीं लग रहा था, मतलब उसको कोई अजनबी नहीं लग रहा था यहाँ पे। और उसकी मेहंदी देखो आप, मेहंदी बहुत ज़्यादा रंग लाई है, मतलब बहुत डार्क कलर हो गया था उसकी मेहंदी का, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो दिखने में भी है ही अच्छी। और यहाँ पर सब कुछ दिया गया है हमारी तरफ से, उसको जो लाया था हमने वो दिया है। और उसके बाद वो पास से शूट नहीं किया यार, पता नहीं इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया वो। और यहाँ पर दूल्हे की एंट्री हो गई है, दूल्हे की एंट्री से पहले ही वो सब कुछ हुआ था, जिस जैसे जैसे जो जो हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हो गई है दूल्हे की एंट्री, दूल्हा एंट्री करेगा, उस टाइम दुल्हन की मम्मी और दुल्हन की साइड से जो भी लेडीज़ है वो उसका ऑक्शन करेगी और उसको मतलब स्वीट वगैरह खिलाती है। ये सब डोर पे ही होता है, जैसे घोड़े पर चढ़ के आता है दूल्हा यहाँ पे। बट कैसा है कि अभी ये लॉकडाउन की शादी है ना, तो इसी वजह से घोड़ा और वो बाजा बारात तो ये सब कुछ निकालने के लिए मनाई थी, तो यहाँ पर मना किया गया था। इसी वजह से हम लोगों ने वो बारात वगैरह नहीं निकाली थी उसकी, तो ये ऐसे ही सुना सुना लग रहा है, मतलब सुनी सुनी बारात आई थी उसकी यहाँ पे। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं, परमिशन नहीं थी इस चीज़ों की, तो इसी वजह से, नहीं तो यहाँ पर घोड़े पर ही दूल्हा आता है यहाँ तक डोर तक, और घोड़े पर ही उसका ये ऑक्शन वगैरह होता है, सब कुछ होता है, तो ये घोड़े पर ही होता है। और यहाँ पर पानेरी बोलते हैं हमारे साइड में, मतलब जैसे कि दुल्हन की साइड के जो लोग हैं वो दूल्हे की साइड के लोगों के पैर धोएंगे और उनको ये दुपट्टा और टोपी पहनाते हैं, और उसके बाद वो हार वगैरह पहनाते हैं, तो ये किया जाता है, तो उसे हमारे साइड में पानेरी बोलते हैं। किस किस के साइड में होता है ये ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, मतलब महाराष्ट्र में तो होता ही होगा ये, और महाराष्ट्र के जो लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो बताना मुझे कि आपकी साइड में होता है क्या, मतलब जैसे कि हम लोग विदर्भ में रहते हैं तो विदर्भ की साइड में ये सब होता है पानेरी वगैरह, तो जैसे कि उधर मराठवाड़ा वगैरह ये साइड में ये सब होता है या नहीं होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर हम लोग आ गए थे, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है अभी। जैसे कि बारात नहीं निकली थी, तो बारात के पीछे पीछे हम लोग आते हैं, जैसे बहनें वगैरह सब लोग जो दूल्हे के साइड से होते हैं वो बारात के पीछे पीछे आते हैं, बट बारात ही नहीं निकली थी, तो फिर मतलब क्या आना जाना और ये, तो इसी वजह से हम लोग सारे गाड़ी में ही आए थे। तो ये सब कुछ अभी दूल्हे का हो रहा है, जैसे दुल्हन का हुआ है, पहले दूल्हे का हुआ वो शूट नहीं किया आई थिंक इन लोगों ने, तो पहले जैसे कि दूल्हा जब आया, दूल्हे की एंट्री हुई, उसके बाद ये कपड़े दिए गए उसको, और उसके बाद ना ये होता है जैसे ऑक्शन, जैसे कि मैंने सकाई वाले ब्लॉग में आपको दिखाया कि पांच लेडीज़ मिलके ऑक्शन करती है, तो वो ऑक्शन शादी के दिन भी होता है, शादी के दिन भी पांच लेडीज़ मिलके ऑक्शन करती है, दुल्हन की साइड की पांच लेडीज़ मिलके दूल्हे का ऑक्शन करती है, और दूल्हे की साइड की पांच लेडीज़ मिलके दुल्हन का ऑक्शन करती है। तो यहाँ पर वो चेंज करके आ गया था, ये है उसका शादी का जोड़ा, और मतलब ये इंडो वेस्टर्न उसने शादी के लिए लिया था, तो यहाँ पर उसकी बहन ही है सबसे बड़ी, मतलब दुल्हन की, तो वो ऑक्शन कर रही है, इससे पहले भी जो गई ऑक्शन करती थी वो भी उसमें से भी कुछ बहनें ही थी उसकी, क्योंकि तीन बहनें हैं उसकी बड़ी और ये सबसे छोटी है, मैंने जैसे कि आपको सगाई वाले ब्लॉग में भी बताया था। तो यहाँ पर ये हमारे साइड का सब चेंज करके आ गई है, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है दुल्हन, ये तो मुझे लगी है, आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पर ये वैसे ही सेम जैसे सगाई में होता है, सबसे पहले भाभी उसकी ओटी भरती है, तो ओटी में क्या होता है सगाई वाले ब्लॉग में आपको बने बता ही दिया है, तो अगर आपने सगाई वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, सगाई वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया है, और उसके बाद मैंने हल्दी वाला ब्लॉग अपलोड किया है, हल्दी की तैयारी वाला ब्लॉग अपलोड किया है, तो ये सब ब्लॉग आपने अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्या कर रही हो यार आप, मतलब सारे जो शादी सीरीज़ है मैंने अपलोड की है, अभी ये शादी का ब्लॉग, उसके बाद रिसेप्शन का ब्लॉग आएगा, मतलब इसके बाद तो शादी के बाद आपको दुल्हन की एंट्री और उसकी जो मतलब दूसरे दिन होता है हमारे साइड में वो ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आपको रिसेप्शन का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए वेट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कर देना, ऑल पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करोगे तो जल्दी से आपको जो भी नोटिफिकेशन है मेरे ब्लॉग के जल्दी से मिल जाएंगे, और आप सबसे पहले मेरे ब्लॉग देख पाओगे। अभी तो शादी वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं, शादी अभी और भी शादियाँ हैं मेरे घर में, जैसे मामा की वगैरह शादी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी,
तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का सब कुछ हो गया था, वहाँ का जो भी होता है वो अभी वो स्टेज पे जाएंगे, तो यहाँ पर स्टेज रेडी हो गया था और अभी वो स्टेज पे जाके बैठेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से होती है गांव में शादी हमारे, और आप लोगों ने गांव की शादी देखी नहीं होगी ना, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसी होती है गांव में शादी। आप देख लीजिए इस तरह से गांव में शादी होती है, बहुत मज़ा आता है यार गांव की शादी में। लेकिन मतलब जिस तरह से सिटी में शादी होती है ना, उससे भी ज़्यादा मज़ा गांव की शादी में आता है। तो बहुत ज़्यादा रस्में होती है गाँव में। इससे पहले जो आपने देखा वो सारी रस्में ही थी, अभी ओरिजिनल शादी स्टार्ट हो गई है। इससे पहले जो सुना आपने वो मंगलाष्टक बोला जा रहा था, और बीच में पहले दुपट्टा पकड़ा जाता है दूल्हा दुल्हन के, और फिर मंगलाष्टक बोला जाता है, और हम लोग जो सारे बैठे हैं वो अक्षत फेंकते हैं उनके सिर पे। तो ये अक्षत के रूप में हमारा जो प्यार होता है, हमारा जो आशीर्वाद होता है, उन दोनों को मिलता है। तो यही होता है हमारे साइड में। उसके बाद ये जो आप रस्में देख रहे हो ये हमारे साइड में होते हैं, जैसे जैसे ब्राह्मण बोलते हैं वैसे वैसे किया जाता है। तो अक्षत पहले दुल्हन दूल्हे के पैर पे गिराएगी, और उसके बाद दूल्हा जो है वो सिर पे गिराएगा अक्षत। तो ऐसे होता है हमारे साइड में, बहुत अच्छा लगता है यार शादी में। तो ये सब भी रस्में कैप्चर करने के लिए बोला था हमने, और बहुत डिटेल में शूट किया है। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये पूरा जो भी हुआ है, पूरे डिटेल में शूट किया गया है। बस यहाँ पर शादी हो गई है, एक दूसरे को हार पहनाए गए हैं, दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को हार पहना दिए है। यहाँ पर एक्चुअली उसने उसका हार पहनाते टाइम ये चुन्नी निकालनी पड़ी थी, क्योंकि चुन्नी पहले से ही पिनअप की थी, तो इसी वजह से ये हार के टाइम पे चुन्नी निकाली थी, उसके बाद हार पहना था और मैंने उसको फिर चुन्नी लगा के दी थी। तो ये बस यहाँ पर फोटो सेशन वगैरह होगा, उसके बाद यहाँ पर वो बैठेंगे ये स्टेज पे, और उसके बाद सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आएंगे स्टेज पे उन दोनों को। ये हमारे साइड के थोड़े से अलग रीति रिवाज है, बट आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे आई होप, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा शादी देखने में। यहाँ पर गठबंधन हो रहा था, आपके साइड में भी होता होगा ये गठबंधन। दूल्हे का दुपट्टा और दुल्हन की चुन्नी मिलके वो उसकी गाढ़ बांधी जाती है, और वो जो गाढ़ है वो सत्यनारायण के बाद ही खोलते हैं। तो ये गाढ़ ऐसे ही रहेगी तीन दिन ऐसी रहेगी, और उसके बाद सत्यनारायण जब होगा लास्ट में, जब दुल्हन की यहाँ का सत्यनारायण होगा उसके बाद ये गाढ़ खोली जाएगी। तो यहाँ पर बस सबसे पहले मम्मी पापा आएंगे मेरे, और मम्मी पापा सबसे पहले उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके बाद दुल्हन के मम्मी पापा आएंगे, दुल्हन के मम्मी पापा आशीर्वाद देंगे, और फिर जाके सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर मेरे मम्मी पापा है ये, और उसके बाद मेरे बड़े पापा आने वाले हैं पीछे से, मैं आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। जो व्हाइट कुर्ता में है वो मेरे सबसे बड़े पापा है, और जो मरून कुर्ता में है पीछे वो मेरे बीच वाले बड़े पापा हैं, और सबसे छोटे हैं मेरे पापा। तो यहाँ पर ये मेरे नाना जी है, नानी को थोड़ा चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होता है ना, इसी वजह से नानी ऊपर नहीं आई स्टेज पे। ये मेरे मतलब मम्मी के बड़े पापा के बेटे हैं, तो ये मेरे मामा छोटे मामा, ये उससे भी छोटे मामा, और ये मेरा भाई, उसको टीका लगा रहा था यहाँ पे, अभी इनका फोटो सेशन होगा। सब लोग स्टेज पे आए थे हमारे साइड के, ये सब लोग जेंट्स हमारे साइड के उसको आशीर्वाद देंगे, उन दोनों को आशीर्वाद देंगे, उसके बाद इन सबका फोटो सेशन होगा। तो शादी होने के बाद सबका फोटो सेशन ही हुआ था, बस फोटो सेशन के लिए सब लोग ऊपर स्टेज पे आ रहे थे। तो यहाँ पर ये उसके बाद ये मेरे अंकल उनके पीछे, और उनके पीछे मेरे मामा, ये है मेरे मामा सबसे बड़े मामा, इनको तो आपने पिछले ब्लॉग में भी देख ही लिया है, इन्होंने ही सारी रस्में की है, सबसे बड़े मामा ही करते हैं सारी रस्में। इससे पहले जो पटाखों वाला सीन दिखाया मैंने वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जैसा कि आपने देखा उससे भी ज़्यादा अच्छा रियल में लग रहा था, इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया वो। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हमारी फैमिली है पूरी, मतलब जैसे कि मम्मी पापा, मेरे दो बच्चे, हम दोनों,
उसके बाद मेरे बड़े भाई और भाभी, छोटा भाई और भाभी, ये सारी पूरी हमारी फैमिली है। बस शादी होने के बाद सब ने फोटो सेशन ही किया, सब लोगों का फोटो सेशन ही हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों ने उनके साथ फ़ोटो क्लिक किए। उसके बाद सब लोग जो शादी में आए थे उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो आपको सबसे मिलवा देती हूँ मैं आज मेरी फैमिली से, आज बहुत सारी पूरी फैमिली आई है। तो यहाँ पर मेरी मासी के दो बेटे हैं आजू बाजू में उनके खड़े हैं वो, और उनके जो बाजू में खड़ा है उनके बुआ का बेटा है, और ये यहाँ पर सब लोग जेंट्स फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे उसके साथ। उसके बाद फोटोग्राफर ने उनको इस तरह से एक पोज देने के लिए बोली थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये, मतलब इस टाइम में बहुत मज़ा आया। ये इसको खींच रहे थे इधर वाले और वो उधर वाले उसको खींच रहे थे, और ये दोनों हाथ छोड़ नहीं रहे थे, ऐसी पोज देने के लिए बोला, तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये मेरी बुआ की बेटी की फैमिली है, जैसे कि बुआ की बेटी इधर की मेरी दीदी और उसका बेटा और उसके हस्बैंड, और यहाँ पर ये पैर धोने का प्रोग्राम होता है, मतलब जैसे कि दुल्हन की साइड के, मतलब दुल्हन की मम्मी, दुल्हन की चाची वगैरह, ये सब सबके पैर वगैरह धोते हैं। उसके बाद उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है दुल्हन दूल्हे के साइड वालों को, तो ये सब यहाँ पर वही प्रोग्राम चल रहा था। तो ये मेरा यहाँ पर आया तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको भी देखने के लिए मिलेगा कि हमारी साइड के कैसे रीति रिवाज होते हैं। तो ये ना अजीब लग रहा था मुझे, बट ये हमारे साइड के रीति रिवाज है, मतलब इतने बड़े लोग हम मेरे पैर पड़ रहे थे, क्योंकि जैसे दूल्हे की जो बहन है उसका मान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हमारे साइड का ये कल्चर है। बट मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इतने मतलब जो मेरे से बहुत ज़्यादा एज में बड़े हैं वो भी मेरे पैर आके पड़ रहे थे, तो इसी वजह से बहुत अजीब लग रहा था ये। बट लास्ट में मैंने दुल्हन की जो मम्मी है उनको पैर पड़ने ही नहीं दिए। कभी कभी ना बहुत अजीब लगते हैं ये जो रीति रिवाज है हमारे साइड के, बहुत अजीब लगते हैं, बट क्या कर सकते हैं, जो रीति रिवाज पहले से होते हैं वो होते ही है, करना ही पड़ता है वो। यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, ये तीनों मेरी मासियाँ हैं, जैसे कि मेरी मम्मी की बड़े पापा की बेटी, और उसके बाद जो बैठी है वो उसकी बहू है, जो लास्ट वाली मासी है उसकी बहू है, और ये उसकी बेटी है। तो ये हमारी उधर की फैमिली है, मतलब मम्मी के साइड की। ये मेरे भाई के ससुर है, पापा है, उसके बाद ये पता नहीं, मतलब मुझे पता नहीं इनका रिलेशन क्या आता है, ये मेरे अंकल, ये मेरे हस्बैंड, उसके बाद दीदी का बेटा, उसके बाद श्रीकांत, उसके बाद मेरी मासी का बेटा, उसके बाद उसके बुआ का बेटा, इसके बाद मेरे मामा का बेटा, उसके बाद मेरे ये जो है ये मेरे भाई का बेटा है। तो ये सारी हमारी फैमिली खाना खाने के लिए बैठी थी, पीछे सारी लेडीज़ बैठी थी खाना खाने के लिए और आगे सारे जेंट्स बैठे थे खाना खाने के लिए। बहुत मज़े किए लेकिन हम लोगों ने, लॉकडाउन की शादी थी वैसे, बट इतने ज़्यादा मज़े किए इस वाली शादी में हम लोगों ने, क्योंकि सब लोग इतने दिनों के बाद मिले थे, मतलब लॉकडाउन के बाद सब लोग पूरी फैमिली मिली थी, इतने ज़्यादा मज़े आए ना, बहुत ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने इस वाली शादी में। तो यहाँ पर कन्यादान हो रहा है, आपकी साइड में भी होता होगा, बट हमारे साइड का कन्यादान कैसे होता है वो आप देख लीजिए। अभी दुल्हन के मम्मी पापा दुल्हन का कन्यादान करते हैं, तो ये पहले जमाई राजा के पहले पैर धोते हैं, फिर उसके बाद पैर पोछा जाता है, फिर सारी जो रस्में होती है वो यहाँ पर होती है। तो ये इस तरह से कन्यादान हो रहा था, तो हम लोग सारे लोग बैठ गए थे। एक्चुअली हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, जिन्स ने सब ने खाना खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था, फिर मेरा जो भाई है वो रुक गया था दूल्हा दुल्हन के लिए, हम लोग रुक गए थे दूल्हा दुल्हन के लिए, उसके बाद हम लोगों ने फिर खाना खाया। तो यहाँ पर हम लोग तब तक बैठे थे, सारे जो मेरे मासी के बेटे हैं वो सब लोग यहाँ पर बैठे थे, तो हम लोगों ने उसके बाद खाना खाया। तो यहाँ पर देखिए मैं, मेरा भाई, उसके बाद मेरी मासी, मामी, ये सब रह गए थे खाना खाने के। तो ये बैठे हैं, मेरी भाभी बैठी है, उसके बाद वो मेरी दूसरी भाभी है, ये मेरी तीसरी भाभी है, वो मेरी दीदी है, उसके बाद मेरी भाई की बेटी है ये, वो मेरी दीदी की बेटी है, ये मेरी दूसरी मासी है। तो ये सब लोग हम यहाँ पर बैठ गए थे। तो ये मेरा मासी का बेटा है बीच में, माही के बाजू में जो बैठा है वो। वैसे हम लोग ना दूल्हा दुल्हन के साथ खाना खाने वाले थे, इसी वजह से हम लोग रुक गए थे, बट दूल्हा दुल्हन को थोड़ा सा टाइम था खाना खाने के लिए, इसी वजह से हम लोगों को बिठा दिया था खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को जाना था घर पे डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि दुल्हन का स्वागत करने के लिए हमें जो डेकोरेशन करना था वो हमें ही करना था, और गाँव में ऐसे ही होता है, सब लोग घर के ही मिलकर डेकोरेशन करते हैं, फिर दुल्हन के घर पे एंट्री होती है, जैसे दूल्हा लेके आता है दुल्हन को, उस टाइम जो डेकोरेशन होता है, मतलब जैसे कि वो कुमकुम के पैर वगैरह ये वो, तो सब कुछ उस टाइम के लिए जो तैयारी होती है वो करने हम लोग घर पे गए थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले खाना खा लिया था, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठ गया खाना खाने के लिए। और यहाँ का मज़ेदार किस्सा बताती हूँ मैं, यहाँ पर दुल्हन को मैं ऐसे ही घुमा रही थी बातों में, ताकि मेरा जो भाई है, मतलब जो मासी का बेटा है, उसने गुलाब जामुन एक्सचेंज, जो मीठा वाला गुलाब जामुन है उसके प्लेट से निकाल लिया, और जो नमक वाला गुलाब जामुन है उसके प्लेट में रख दिया।
और अभी क्या होता है कि जैसे पहले सबसे पहले ना दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को स्वीट खिलाते हैं, जो भी स्वीट में होता है, ये काला जामुन था स्वीट में, तो वो सबसे पहले खिलाते हैं। तो उनके साइड से किसी ने मजाक नहीं की थी, बट हमारे साइड से ना ये काला जामुन एक्सचेंज कर दिया गया था मेरी मासी के बेटों ने, और ये यहाँ पर वो उसको काला जामुन खिला रहा है, तो वो बोल रही कि पूरा मत खिलाओ। और जैसे ही उसको खिलाया गया ना, तो तब उसको पता चला कि ये नमक का गुलाब जामुन है। इतना मज़ा आया उस टाइम कि आपको क्या बताओ। जैसे दूल्हे की साइड के दुल्हन के साथ करते हैं और दुल्हन की साइड के दूल्हे के साथ करते हैं, बट ये सबसे छोटी है ना, तो इससे छोटे कोई नहीं थे इसके घर में दूल्हे के साथ मजाक करने के लिए, बट हमारे साइड में बहुत थे इसके छोटे छोटे भाई, तो उन्होंने मजाक बहुत ज़्यादा की उसके साथ, बहुत ज़्यादा मस्ती की। वहाँ पर भी घर पर आने के बाद भी उसको नमक नमक का कुछ कुछ खिलाया गया। और यहाँ पर हम लोग घर पर आ गए थे, घर पर आने के बाद उसकी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर रंगोली वगैरह निकाल रहे हैं। मेरी भाभी और मेरी जो बहन है, मतलब मासी की बेटी, उसने बहुत ही अच्छे से रंगोली निकाली थी। मुझे तो इतनी अच्छी नहीं आती है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मुझे इतनी अच्छी रंगोली नहीं आती है, वैसे मैं ही निकालने वाली थी, बट मेरी मासी की बेटी ये जो है ब्लू साड़ी वाली, उसको बहुत अच्छी रंगोली आती है, और कल्याणी को भी रंगोली आती है, तो कल्याणी ने और उसने मिलकर रंगोली निकाली और दूल्हा दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारियाँ की हम लोगों ने। यहाँ पर जो उसको गिफ्ट्स मिले थे वो घर पर लेके आए थे ये सब लोग, तो यहाँ पर हमारी तैयारियाँ चल रही थी। जो भी हम लोग डेकोरेशन करेंगे आप देख लेना, अभी यहाँ पर ये जो रंगोली है वो दोनों ने मिलकर ही निकाली थी, भाभी ने और मेरी बहन ने, तो ये रंगोलियाँ निकाली थी। उसके बाद अंदर भी रंगोली निकाली थी, उसके अंदर फूल वगैरह हम लोगों ने डेकोरेट किए थे, उसके बाद दिए वगैरह लगाए थे, तो बहुत अच्छा स्वागत किया था उसका। गाँव में ऐसे ही होता है, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गाँव में कैसे कैसे होता है, गाँव का कल्चर कैसा होता है, और सिटी से बहुत अलग होता है, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती मज़े किए यहाँ पे। और ये देखिए रंगोली रेडी हो गई है, यहाँ पर लिखा गया है सुस्वागतम, मैं आगे से आपको दिखा देती हूँ। सबसे आगे लिखा है सुस्वागतम, उसके बाद विवेक एंड दीपाली, मतलब मेरी जो भाभी है उसका नाम दीपाली है, मेरे भाई का नाम विवेक है, तो ये लिखा गया है। उसके बाद ये यहाँ पर फूल वगैरह बिछाया गया है उसके स्वागत के लिए, उसके बाद दिए वगैरह लगाए गए हैं, तो आपको मैं आगे तक दिखा देती हूँ। जैसे कि भगवान के मंदिर के पास तक लेके जाते हैं ये सजाते हुए, और ये यहाँ पर नाप रखा गया है, मतलब जो लोटा रखा गया है उसको लांगने के लिए, उसमें चावल रखे जाते हैं, तो ये तो सबके साइड में होता ही होगा, तो ये यहाँ से लेके भगवान के मंदिर तक फूल बिछा के लेके जाते हैं, और उसके बाद उसके मतलब स्वागत करते हैं, इस तरह से उसका वेलकम करते हैं हमारे यहाँ पे। ये गाँव की साइड का जैसे होता है वैसा ही वैसा आपको दिखा रही हूँ मैं। और उसके बाद बहुत मज़े होते हैं, जैसे कि जैसे दुल्हन घर पे आती है ना, उसके बाद बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत सारे खेल खेले जाते हैं हमारे साइड में, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी कि कैसे कैसे होता है हमारे साइड में दुल्हन की एंट्री होने के बाद। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुमकुम की थाली रखी थी, उसमें वो पैर रखेगी, पूरी कुमकुम के पैर वो भगवान के पास तक लेके जाएगी, तो यहाँ पर ये बोलते हैं लक्ष्मी के पैर आते हैं घर में, तो इसी वजह से ये कुमकुम की थाली रखी जाती है। उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन घर पे आए थे तब इन लोगों ने पटाखे जलाए थे, पटाखों के साथ दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया था, और ये उसका वेलकम हो रहा है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आगे आएगी, उसके बाद वो लोग उतरेंगे और फिर हमारे घर में एंट्री होगी दूल्हा दुल्हन की। ये सब कुछ दुल्हन के वेलकम के लिए हो रहा है, और बहुत अच्छा वेलकम हुआ था दुल्हन का हमारे घर में। ये जो व्लॉग है वो यहाँ पर ही एंड होता है, मतलब यहाँ पर ही मैं ख़त्म करती हूँ, और इसके बाद का जो व्लॉग होगा वो दुल्हन की एंट्री के बाद क्या क्या होता है हमारे घर में, मतलब जैसे कि खेल खेले जाते हैं वो, और उसके बाद दूसरे दिन का, मतलब जैसे कि उनका नानोरा होता है, दूसरे दिन क्या हुआ, सत्यनारायण की पूजा, ये वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये दूसरे व्लॉग में होगा। आज के लिए इतना ही, बस आज एंट्री होगी दुल्हन की, तो एंट्री भी मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ आपको, पूरी एंट्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ दरवाजे तक दुल्हन आई यही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर होगी दुल्हन की एंट्री अभी घर में, और मेरी मम्मी उसके साथ आई थी, दूल्हा दुल्हन के साथ, और उसकी बहन आई थी एक दुल्हन के साथ, दुल्हन की बहन आई थी, तो बस वो लोग आए थे इस गाड़ी में, दूल्हे की गाड़ी में, और बहुत लेट हो गया था यार, मतलब जैसे कि हम लोग तो आपने देखा शाम को ही चले आए थे घर पे, शाम को मीन्स 5-5:30 बजे ही हम लोग घर पे आए होंगे, और ये लोग आए थे 7:30-8 बजे
घर पे, तो इनको बहुत लेट हो गया था। जैसे बाकी की रस्में भी होती है, तो वहाँ पे जो भी हम लोगों के आने के बाद रस्में हुई वो तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि कन्यादान होता है, कन्यादान में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो भी दूल्हे की साइड से लेडीज़ आती है उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, मतलब साड़ियाँ वगैरह दी जाती है, तो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह देने में और इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर दूल्हा दुल्हन पैर पड़ते हैं सबके, उसके बाद वो विदाई होती है, तो विदाई वगैरह शूट नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे साथ ही आ गए थे यहाँ पर, हम लोग जब तैयारियाँ कर रहे थे तो उसके बाद कोई शूट करने के लिए नहीं था वहाँ पर। तो सिर्फ मैं बता रही हूँ, विदाई तो आप लोगों ने देखी होगी, रोना धोना होता है, बट वो तो सब हम लोगों ने नहीं देखा, वो तो सब हम लोगों ने मिस ही कर दिया। तो यहाँ पर दूल्हे की जो भाभी है या बहन है वो वेलकम करती है दुल्हन का, यहाँ पर टीका वगैरह किया जाता है दोनों को, फिर उनकी नज़र उतारी जाती है, जैसे कि रोटी का जो टुकड़ा होता है उससे नज़र उतारी जाती है, और वो जो टुकड़ा है वो घर के ऊपर डाल देते थे। तो अभी कवेलू के घर नहीं है, नहीं तो कवेलू के घर पे कवेलू पे डाल देते थे, बट अभी साइड में डाल देते हैं, पता नहीं अभी ये जो टुकड़ा है वो साइड में डाल देते हैं और उससे उनकी नज़र उतारते हैं, फिर उनको अंदर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारे साइड में होता है। ये जो सारी रस्में होती है, ये सारी रस्में इस बार कल्याणी ने की, नहीं तो कल्याणी के टाइम पे, मतलब जो बीच वाला भाई है मेरा, उनके टाइम पे मैंने की थी सारी रस्में, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी और अभी इसकी शादी हो गई, ये बड़ी भाभी है घर में, तो ये बड़ी भाभी ने रस्में की थी। तो यहाँ पर ना हमारे साइड में उसको नाम पूछते हैं, जैसे कि पति का नाम लेने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर वही लिया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो नाप लांगेंगी और उसके बाद उसके घर में एंट्री होगी। चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक में कंजूसी मत करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा पे आपको ब्लॉग के अलावा जो पिक्चर्स और वीडियोस है वो देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे, उससे आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से उसे देख पाओ।